नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच फिर से वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आज हाजिर हुए हैं। कुछ परिवर्तन हुए हैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए, और जो परिवर्तन हुए हैं वो आप लोगों को आगे बताएंगे हम। फिलहाल ये वीडियो है जो हमने बनाई है, ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर है। अभी हमने हाल ही में पंजाब से गाय मंगाई है। टोटल 6 गाय परचेस हुई है और 4 गाय एक आगे किसान भाई ने मंगाई है। तो अभी उनकी 4 गायों का स्टॉप भी यही डेयरी फार्म पर हुआ है। और अभी जो गाय अपन ने परचेस की है वो आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाय वहाँ से सफ़र करने के आने के बाद भी आराम से खा रही हैं। देखिए आप, बहुत से किसान भाई कहते हैं कि पशु वहाँ से आने के बाद खाता नहीं है, पर जैसे कि आप लोग वहाँ से आने के बाद ये सावधानियाँ रख सकते हैं कि पशु वहाँ से आए, वहाँ इन्हें ग्रीन फॉडर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो इन्हें आते से ही पहले ग्रीन फॉडर खिलाया जाए। देखिए आप कितना स्ट्रेस फ्री होकर ये गायें खा रही हैं। ये बछड़ियां हैं जो हम लोगों ने मंगवाई है, ये प्रेग्नेंट हिपर्स हैं सारी। ये हमने पंजाब से परचेस की हैं और ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल हैं। यदि किसी किसान भाई को जो इंदौर के आसपास है और किसी को लेना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रेग्नेंट हीपर्स फर्स्ट टाइम में बच्चा देंगी ये। खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आते से ही देखिए खा रही हैं। ये साहिवाल गाय है, ये भी हम लोगों ने ही परचेस की है। मिल्क में काफी अच्छी है, अभी 2 दिन हुए ऐसे बच्चा दिए हुए। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम काऊ है, देख सकते हैं आप। जैसा कि अपने यहाँ पर सिंग वाली गाय एमपी में ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये सिंग वाली गाय है, ये भी हमने पंजाब से परचेस की है। और ये सेकेंड टाइमर, ये भी परचेस की है, अभी ये सेकेंड टाइम में बच्चा देगी। आप देख सकते हैं सभी गायें आते से ही खा रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यदि पशु आप बाहर से ला रहे हैं तो सबसे पहले सावधानी आपको ये रखनी है कि आते से इन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, पहले इन्हें स्ट्रेस फ्री करिए, इनका वातावरण अच्छा रखिए। जितना इनका वातावरण अच्छा होगा उतना ये स्ट्रेस फ्री होकर खाएंगी और स्वस्थ रहेंगी। तो ये जो भी गाय हम लोगों ने परचेस की है वो पंजाब से सर्व चीमा डेयरी फार्म से परचेस की गई हैं, और साथ ही में चीमा भाई ने एक गायों के लिए केयरटेकर भी पहुंचाए हैं, जो भैया रास्ते भर इनकी गायों की अच्छी केयर करके लाए हैं, इन्हें खिलाकर पिलाकर व्यवस्थित स्टॉप पर इनको आराम देकर। आप देख सकते हैं कि आकर उस गाय का दूध भी निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि ये गाय आगे जाएंगी और अभी ये स्टॉप पर रुकी हुई है। अभी यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर ये 4 गाय आगे जाएंगी। अभी भैया इन्हें खिला पिला कर रेस्ट करवा कर फिर शाम को गाड़ी में चढ़ा कर इनको इनके ठिकाने पर उतार कर आएंगे। तो ये चीमा भाई की तरफ से केयर टेकर भी पहुँचाया जाता है, काफ़ी अच्छी सुविधा दी है चीमा भाई ने। ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट टाइम हिपर्स, प्रेग्नेंट हिपर्स है। 6 मंथ 7 मंथ और 8 मंथ इस प्रकार की हिपर्स हैं। यहाँ के जो पंजाब से गाय परचेस करने का ये रीज़न है कि वहाँ की जो फर्स्ट टाइम की बछड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं,
ये फर्स्ट टाइम में ही 20 प्लस मिल्क देगी, क्योंकि हमारे पास अधिकतर पंजाब की ही ब्रीड है तो हमें पूरा पता है इसके बारे में। ये जब भी जनेगी तो फर्स्ट टाइम में 20 प्लस मिल्क देगी। और जो एक लोकल ब्रीड होती है वो फर्स्ट टाइम में इतना दूध नहीं दे पाती, तो यदि आप कम जगह में अच्छे एनिमल्स रखना चाहते हैं तो ऐसे ब्रीड वाले एनिमल्स रखिए। और आगे आप लोगों को जो हमने कहा था कि हमने यहाँ बहुत सारा चेंज किया है, वो चेंज इस प्रकार से हुआ है कि जो हमारे मिल्किंग एनिमल्स हैं वो सारे हमने अपने घर पर ही शिफ्ट कर लिए हैं। जो फार्म से घर का सफ़र था वो लंबा था और इसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता था, इस वजह से जो मिल्किंग एनिमल्स हैं वो सारे घर के फार्म पर शिफ्ट कर लिए गए हैं। उस पर आपको आगे एक वीडियो दी जाएगी। और यहाँ केवल ड्राई पीरियड वाले एनिमल्स हैं, जैसे जो 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट, 2 महीने की प्रेग्नेंट, ऐसे प्रेग्नेंट एनिमल्स और अपने जो हिपर्स हैं वो सारे यहाँ पर हैं। देख सकते हैं आप, ये अपने हिपर्स हैं, ये सारे अपने हिपर्स, और जो अभी हिपर्स मंगाए हैं ये सारे यहीं रहेंगे। बाकी जो अपने मिल्किंग एनिमल्स हैं वो सारे घर पर हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है जो आप लोगों से शेयर करना था। और बहुत जल्द आगे अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी ये गाय हम वहाँ से आई हैं, थोड़ी गंदी दिख रही है क्योंकि सफ़र करके आई हैं 2 दिन का। 2 दिन में वहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है और आगे ट्रांसपोर्ट पर भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा लगता है। तो आज के लिए एक वीडियो थी आप लोगों के लिए छोटी सी, और चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और यदि आपको किसी भी किसान भाई को पंजाब से आई हुई गायों में से कोई गाय चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ही जल्दी हम नेक्स्ट गाड़ी मंगाएंगे, फिर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। इसमें से अधिकतर हिपर्स हमने सेल कर दिए हैं। और गणेशा डेयरी फार्म चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर द वॉच।